अच्छा जी 423 इसको जरा देखें, ये समझ में आ गया तो 422 भी खुद ही समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने बैठा, ये क्वेश्चन नंबर है 23, सेकंड लास्ट इसमें शो हो रहा है ये वाला। इसमें आपसे कहते हैं बेटा, यू प्लान टू रिटायर इन एग्जैक्टली 20 ईयर्स। आप प्लान कर रहे हैं अपनी रिटायरमेंट का 20 साल बाद। योर गोल इज टू क्रिएट अ फंड। आपका जो गोल है बेटा वो ये है कि हम एक फंड क्रिएट करें दैट विल अलाउ यू टू रिसीव $20,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द 30 ईयर्स बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ। क्या मतलब? कहता है कि आप रिटायरमेंट प्लान अपना बना रहे हैं, आज से ठीक 20 साल बाद आपने रिटायर हो जाना है, और रिटायरमेंट से और आपकी डेथ का जो पीरियड है वो 30 सालों का है। ठीक है जी। फिजिशियन जो है उसके उसने उससे बताया, टोल्ड यू वुड डाई आफ्टर 30 ईयर, कि आप 30 साल बाद मर सकते हैं। मर तो खैर बीच में भी सकते हैं, लेकिन एक सिचुएशन उसने आपके सामने रखी है। तो आगे आपसे क्या कहता है, कहता है यू नो दैट यू विल बी एबल टू अर्न 11% इंटरेस्ट पर ईयर ड्यूरिंग द 30 ईयर रिटायरमेंट पीरियड। मतलब ये एक ये आपके पास तीस सालों का जो पीरियड है, कहते हैं इसमें आप अन सकते हैं 11%, और आपका गोल ये है कि 20 साल के बाद जो भी साल का आखिर आया मैं उसमें 20,000 हर साल के आखिर में निकलवा सकूं। ये आपका गोल है। हम क्या करते हैं इसको समझने के लिए, हम क्या करते हैं बेटा इसको समझने के लिए, हम ये करते हैं कि ये जो 20 साल के बाद की कहानी है, हम ये समझते हैं कि हम आज में आ गए हैं जी। तो अब हम क्या करेंगे, एक मिनट बेटे डॉक्यूमेंट, जी अब हम क्या करेंगे, वो आपसे कहता है जनाब अली कि ये आपके पास टेन्योर है 0 से 20 साल, और फिर आपकी डेथ तक का ये 30 साल का पीरियड है। आपकी डेथ की बात नहीं कर रहा बंदे, किसी उसकी बात कर रहा है वो, और आपसे कह रहा है कि आप 20,000 हर साल निकलवाना चाहते हैं, तो ये आपके इंस्टॉलमेंट्स हैं। अब अगर मैं यहां पर आगे खड़ा होकर देखो अपने को, लेट से कि वो 20 साल गुजर गए, तो वह अब आपसे ऑप्शन ये पूछता है जी, ए पॉइंट आपसे पूछता है हाउ लार्ज अ फंड विल यू नीड व्हेन यू रिटायर इन 20 ईयर्स टू प्रोवाइड द 30 ईयर $20,000 रिटायरमेंट एनिटी। कहते हैं जी आप ये बताएं कि आपको कितना फंड चाहिए होगा जब आप रिटायर होंगे 20 साल बाद, जो अगले 30 सालों के लिए हर साल आपको 20,000 पे कर सके। तो हम यहां खड़े हो जाते हैं और हम यहां समझते हैं यहां हम आ चुके, अब यहां पर वो फंड मुझे चाहिए कि कितना फंड में इन्वेस्ट कर दूंगे हर साल मुझे $20,000 मिलना शुरू हो जाए। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे बेटा प्रेजेंट वैल्यू का, प्रेजेंट वैल्यू इनटू कैश फ्लोस, हर साल के आखिर में मिलना है तो ड्यू नहीं लगेगा, ऑर्डिनरी लगेगा, 1 - 1 + r की पावर बेटा -n डिवाइडेड बाय r। तो प्रेजेंट वैल्यू हमें चाहिए, वो हमें नहीं पता। कैश फ्लोस कितने हैं ये हमने ढूंढ, उसने हमें दिए हुए 20,000 के हिसाब से। ठीक है बेटा, अब 1 - 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1.11 की पावर ले लो -30,
डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट वन इसका आंसर बताना बेटा क्या था सर ये आई थिंक 5.376 आ रहा है और टोटल क्या नहीं है मुझे कोई और बता दे हाँ जी ये यही आ रहा है इसका टोटल आ रहा है क्योंकि किसी और से पूछ लें आप एक बार 5.376 हाँ जी ए पर एक बार आप किसी और से पूछ लें जी बेटे किसी और कोई टोटल आंसर बताओ बेटा मुझे 20,000 से मल्टीप्लाई करके टोटल आंसर बताओ ये टोटली आ रहा है 5.376 बट आप एक बार किसी से कंफर्म कर ले मिस्टेक हो सकती है ठीक है सही आ रहा है 4.8874 4.8874 जी पॉइंट टू सर मैंने उसको 0.11 पर डिवाइड नहीं था किया ये 4.8874 नहीं आ सकता ये आ रहा होगा आंसर आपके पास 173871 समथिंग इस तरह आ रहा होगा हाँ जी सर ऐसे ही आ रहे हैं 173173 जी सर ऐसे ही आ रहे हैं मैंने डिवाइड नहीं था किया मैंने देखा नहीं था नीचे जी सर ऐसे ही आ रहे हैं 173875.85 ये वो माउंट जो आपसे उसने कही थी कि जनाबे अली ये वो माउंट है जो हो गए पॉइंट से क्या कहता है हम बी पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा बी पॉइंट आपसे ये कहता है हाउ मच विल यू नीड टुडे एज ए सिंगल अमाउंट to provide the fund calculated in part A if you earn only 9% during the 20 years preceding retirement. कहते हैं जनाबे अली आप बताएं आज अब वो आपको आज मिल आया है आज मैं एक सिंगल अमाउंट कितनी बैंक में इन्वेस्ट कर दूं 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कि मुझे 20 साल बाद ये वाली अमाउंट मिल जाए अगर आज से आप 20 साल को देखोगे बेटा तो ये आपको फ्यूचर वैल्यू नजर आएगी और सिंगल अमाउंट कह रहा है कि आज मैं कितनी जमा करवा दूं तो आपसे वो प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है कि मैं कितनी जमा करवा दूं 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर तो इसके फार्मूले में हम ये करेंगे बेटे इस सिचुएशन में ये बनेगा कि सिंगल अमाउंट में हम जाएंगे प्रेजेंट वैल्यू या आज हमें पूछ रहा है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1+r^n तो आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो बन रही है 173 आज से देखोगे तो ये आपको 20 साल बाद वाली फ्यूचर ही नजर आएगी ना 0.8 डिवाइडेड बाय 1.09 आप क्योंकि उसने कहा 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है कितने साल 20 साल आंसर बताना बेटा क्या आता है ये कुछ इस तरह आ रहा होगा 31024 हाँ ये आंसर है ये आप आज पैसे रखवा दो 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो 20 साल बाद वो ये वाली अमाउंट बन जाएगी और ये अमाउंट से हम हर साल फिर 20,000 विड्रॉ करवा सकेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है सर एक्सक्यूज मी सर जी बेटा बोलो सही इसमें वैल्यू राउंड ऑफ करेंगे हम मर्जी आपकी करना चाहो कर लो नहीं करना चाहते ना करो मेरे पेपर चेकिंग का ये मेयार नहीं होता मेरे पेपर चेकिंग का ये होता है कि इसे क्वेश्चन पता लग गया बस ठीक है अच्छा जी मैंने आप लोगों का एक काम दिया था बेटा लोन मॉडरेशन शेड्यूल का पढ़ा था किसी ने बेटा जी सर मैंने थोड़ा सा पढ़ा था उसमें लोन का बताया गया था कि आप अगर नेक्स्ट 10 ईयर या 20 ईयर और हाउस लोन का उसमें बताया गया था प्लान करते हैं तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये जी सामा मलिक बेटा क्या पूछना चाहते हो
जी सर, ये मैंने इसका पूछा था जो भी हमने क्वेश्चन किया बी पार्ट, इसमें फॉर्मूला आपने कौन सा लगाया था? बेटा एक फॉर्मूला तो उसमें लगा है प्रेजेंट वैल्यू फॉर्नेरियनिटी का, यस ठीक है, क्योंकि हम कहां पर खड़े थे, उसने हमें कहा था कि 0 से 20 साल बाद और आपके मरने तक जो है वो 30 साल का अर्सा होगा, हर साल मुझे 20,000 विड्रॉ करवाने हैं, तो बताएं मैं आज 20 साल में जब मैं खड़ा होऊंगा तो मुझे कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए कि मैं अपना गोल पूरा कर सकूं। तो हमने कहा हम 20 साल में आ गए, फर्ज किया हमने 20 साल में आ गए, हमने उसको आज समझ लिया, तो अगर आज समझ लिया तो हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए ना बेटा। जी सर, तो कैश फ्लो ने आपको बताए हुए थे और 1 - 1 + r^(-n/r) लगा दिया मैंने। Yes. ये मुझे कैसे पता लगा फार्मूला, वो इस तरह फार्मूला पता लगा कि मैं आज में खड़ा हो गया, इसका मतलब इसको को पूछ रहा है कि बताओ कि कितने पैसे चाहिए, तो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। फिर एनईटी क्यों लगा, इसलिए कि मेरे गोल में कैश फ्लोज हैं सेम, यस, और एट द एंड ऑफ द ईयर है, इसलिए पता लगा कि एनईटी लगनी है। ओके ठीक हो गया। यस अच्छा बेटे, लोन मोडिफिकेशन शेड्यूल मैंने आप लोग पढ़ने का दिया था और बड़ा सिंपल कहानी थी इसके अंदर, वो ये थी जो समझने की बात थी बच्चों, वो ये कहानी है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात थी कि आप लोन ले लेते हैं बैंक से, बैंक ने, आप बैंक में जॉब करते हैं, आपने लोन ले लिया जी, ये $6,000 ले लिया बिल पास, या अभी आपको इस एग्जाम्पल बाद में लेकर आएंगे, पहले हम कहते हैं कि आपने बैंक से लोन ले लिया फर्ज करें 1,000 रुपए, अब ये लोन आपको वो आज ही देगा ना, आज ही देगा ना, फ्यूचर टाइम पीरियड पे तो नहीं देगा, तो अगर वो लोन आपको आज तो इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू होती है, ये बात क्लियर हो गई। लोन आज मिलना है इसलिए प्रेजेंट वैल्यू है। अच्छा अब वो कहता है जी, फर्ज करें वो कहता है मैं आपसे 4 साल बाद लूंगा और 4 साल बाद मैं आपसे इंस्टॉलमेंट पे लूंगा, आपने मुझे हर महीने 300 की, हर साल के 300 की इंस्टॉलमेंट देनी है, 300 300 300 हर साल आप दे रहे हैं, ये टोटल कितना हो गया, 1200 हो गया 1200। आप उसे कहोगे नहीं यार हम तो तुमसे 1,000 रुपए ले रहे हैं और तुम हमसे कह रहे हो 1200 दो 4 साल बाद, तो ये 200 किस बात के ज्यादा ले रहा है आपसे, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो कहता है जी प्रिंसिपल अलग है, मैंने इंटरेस्ट तो मेरा रिवॉर्ड है जो मैं आपको 4 साल के लिए दे रहा हूँ ये पैसे। तो इसी तरह बेटा ये एग्जांपल आपके सामने आ गई, कैलकुलेटर हाथ में रखना बेटा, लोन मोडिफिकेशन शेड्यूल उसने कहा जी $6,000 कहते जी $6,000 जो है ये लोन है, प्रिंसिपल है, जो भी हम पैसे भी लेंगे बैंक से वो प्रिंसिपल होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने आपको दे दिया और 4 ईयर में उसने कहा जी रीपेमेंट करनी है। अब हमने यहाँ पे सीखना क्या होता है, सीखना ये होता है कि कितनी इंस्टॉलमेंट बैंक को हमने देनी है, या बैंक आप बैंक के एम्प्लॉय हो, उसने आपको हायर किया हुआ है फाइनेंशियल्स के लिए, बैंक आपसे पूछ रहा है बताओ जी कितनी इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए, कितनी इंस्टॉलमेंट पे हमें से देना चाहिए, उन्होंने कहा जी कि 4 साल है, 4 साल का टोटल पीरियड है, 4 साल में वापस चाहते हो, तो आपने अभी जो पैसे देने हैं वो तो होगी प्रेजेंट वैल्यू, फिर कैश फ्लोज असल में आप मांग रहे हो कि हर साल कितने पैसे हमें आने चाहिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, तो हमने कहा कोई मसला ही नहीं, 1 - 1 + r^(-n)/r लगाएंगे हम यहाँ पर, यहाँ एक ही फार्मूला लगता है हमेशा लोन मोडिफिकेशन शेड्यूल के लिए। अब पहले हम या तो ये फाइंड करते थे या फिर फ्यूचर वैल्यू, अब हमने कह दिया ये फाइंड करने का कोई इशू नहीं है, आप जो इस वक्त लोन लोगे बेटा वो है 6,000 का, वो प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी जो लोन देगा बैंक, आप बैंक अगर इसे बना रहा है तो ये इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू है। कैश फ्लोज उसने ढूंढने हैं, 1 - रेट ऑफ इंटरेस्ट ने बताया आपको 10% 1.1 - 4 क्योंकि 4 साल में पे करना है और 0.1 नीचे डिवाइड हो जाए। अच्छा इसका आंसर बताना क्या आता है, 6,000 × कैश फ्लोज, ये जो सारा फैक्टर है इसका आंसर बताओ बेटा क्या था, थ्री पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 3.16
थ्री पॉइंट बेटा 16. अच्छा अब 6000 से डिवाइड कर दो इस 3.16 को. 19,019. नहीं 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 इतना नहीं आ सकता. 6000 डिवाइड करो 3.16 से. ठीक हो गया सर. 18.92.8 सर वो मल्टीप्लाई हो गया था गलती. देखो यही क्या आया. जी बच्चों ये वैल्यू नहीं आ गई ये वाली. सर यही वैल्यू है. हाँ यही वैल्यू है. तो ये इंस्टॉलमेंट निकालने का तरीका होता है. बैंक को आप ये कहोगे, आप एम्प्लॉय उसके कहोगे कि सर ये इंस्टॉलमेंट आपने लेनी है हर साल लोन वाले से. तो ये इंस्टॉलमेंट होगी आपके पास. अब बैंक आपसे क्या कहता है, बैंक आपसे कहता है अच्छा यार मैंने जो है ना इंटरेस्ट मेरी इनकम होती है तो मैंने इनकम शो करनी होती है अपने अकाउंट्स में और जिसने लोन लिया होगा अगर वो बनाएगा वो उसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है. वो एक्सपेंस उसने अपने अकाउंट में शो करना है क्योंकि जब फाइल रिटर्न करेगा इनकम टैक्स की तो वो एक्सपेंस को शो करेगा जनाब अली ये मेरा एक्सपेंस हुआ है ताकि इस पर मुझे टैक्स ना लगे, इससे मेरे टैक्स में कमी आए. बैंक वाले की इनकम है इसलिए फिर शेड्यूल बनाया जाता है कि हम जो भी इंस्टॉलमेंट लेते हैं उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं इंस्टॉलमेंट के अंदर. एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट का, एक होता है इंटरेस्ट अमाउंट का. अगर हमें इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट पता लग जाए तो हम प्रिंसिपल अमाउंट को ढूंढ सकते हैं. अगर हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता लग जाए इंस्टॉलमेंट में तो हम इंटरेस्ट को ढूंढ सकते हैं. तो मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि लेट्स से आपके पास 100 की एक इंस्टॉलमेंट है और मैं आपको अगर ये बता दूं ना कि जिसमें 20 रुपए इंटरेस्ट है तो आप फौरन बता दो कि इंस्टॉलमेंट में 80 रुपीज का प्रिंसिपल गया है. तो बैंक को हमने प्रिंसिपल भी वापस करना होता है थोड़ा सा और इंटरेस्ट भी वापस करना होता है. इंटरेस्ट उसका रिवॉर्ड है, वो उसने लेने लेना, वो उसकी इनकम है. अच्छा उसके बाद देखो बेटा क्या होता है. उसके बाद ये होता है कि अब हम शुरू हो गए जी, हमने ले लिया उधार या बैंक ने दे दिया उधार 6000 आपको. पूरे साल 6000 आपने अपने पास इस्तेमाल करना है पूरे पहले साल तक. अब ये 6000 आपने इस्तेमाल किया है ना कि नहीं. जी बेटा 6000 उसने आपको दे दिए, साल का एंड आ गया. अब 6000 में जब साल का एंड आ गया आपके पास तो बैंक आपसे क्या कहेगा, जी आपने मेरे पूरे 6000 इस्तेमाल किए हैं, कहेगा कि नहीं कहेगा. जी सर. अब वो कहेगा इस 6000 का मुझे इंटरेस्ट चाहिए. आपने कहोगे कि आपकी तो इंस्टॉलमेंट में हमारे साथ बात हुई है तो बैंक यही कहेगा जी मुझे इंस्टॉलमेंट ही चाहिए बेसिकली. और मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी है बेटा 18,92.74. ये इंस्टॉलमेंट मैं उनसे ले लूंगा. जब मैं ये इंस्टॉलमेंट उनसे ले लूंगा तो इसके अंदर दो कॉम्पोनेंट है, एक प्रिंसिपल का और एक इंटरेस्ट का है. इसमें मेरा इंटरेस्ट कितना होगा वो कैसे पता लगेगा, हम इस 6000 का जो हमारा एंडिंग बैलेंस होगा पहले साल का उसका ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई कर देंगे. तो 6000 का बेटा 10% लो तो हमारे पास आता है 600. और अब गौर करो ये देखो ये 600 आया हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इंटरेस्ट का पता लग गया तो मैं इन इंस्टॉलमेंट जो मेरे पास आई है मैं इसमें पता कर सकता हूँ कि फिर प्रिंसिपल कितना है. तो 18,92.74 में से अगर आप इस 600 को लेस कर दोगे बेटा तो हमारे पास जो बचेगा इसमें पता ये लगेगा कि ये इंस्टॉलमेंट में से इतना प्रिंसिपल वापस आया है और इतना इंटरेस्ट हमें मिला है. पहला साल गुजर जाएगा, आप ये इंस्टॉलमेंट दे चुके होंगे. दोबारा बता दीजिएगा जो अभी आपने बात की है 600 को माइनस करना है लोन में से. देखो मेरी बात सुनो, आप क्या नाम है आपका बेटा? सर उमर नाम मेरा. उमर उमर फर्स्ट तो ये $6000 आपने लिए हमसे और एक साल गुजर है तो उमर तो मुझे ये इंस्टॉलमेंट ही देगा ना. जी सर. अब जब जैसे उमर मुझे इंस्टॉलमेंट देगा बेटा, इन इंस्टॉलमेंट में उमर मुझसे ये कहे कि जी 8,92.74 मैंने आपको वापस कर दिया, अब 6000 में से बाकी इसमें से आप लेस कर दो, 6000 में से बाकी जो रह गया वो मैंने देना है. मैंने कहा उमर साहब ये बात ठीक नहीं है, ये जो 18,92.74 आपने मुझे वापस किया है इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट भी है और इसमें मेरा इंटरेस्ट भी शामिल है,
इंट, तो आपको मैं प्रिंसिपल से वापस माइनस नहीं करने दूंगा, इंटरेस्ट तो मेरी इनकम है। ठीक हो गया बेटे? हाँ जी। अब मैं क्या फिर उमर कहेगा, फिर मैं कहूंगा सर 6000 आपने पूरे साल इस्तेमाल किए, इसका 10% क्या बनता है? आप कहोगे जी वो बनता है 600। तो मैं उमर को कहूंगा उमर साहब इंस्टॉलमेंट में 600 तो मेरा इंटरेस्ट आ गया है, तो बाकी जो बचा है वो आपने मुझे प्रिंसिपल के तौर पर वापिस किया असल में। समझ आ गई उमर? जी सर। हाँ, अब होगा क्या साल के एंड में, उमर कहेगा अच्छा 6000 में से मैंने 1292 रुपए प्रिंसिपल वापिस किया है और क्लोजिंग में मेरे पास प्रिंसिपल ये रह गया, इसको मैंने वापस करना है। यानी इसमें से इसको लेस कर दिया जाएगा तो जो बचेगा वो मेरा एंडिंग बैलेंस है। अब अगला साल आ गया, अगले साल का आखिर आ गया, तो आपके पास आ गया 4707। अब पूरे साल आपने ये इस्तेमाल किया, ऐसे ना बेटा? अब पूरा साल आपने ये इस्तेमाल किया, फिर आप पर इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट तो आपने वही देनी है। अब जैसे ही आपने इंस्टॉलमेंट मुझे दे दी 8189.274 की, मैं 4707 के ऊपर 10% इंटरेस्ट लगाऊंगा जो कि आ गया 470.73। मैं इस इंस्टॉलमेंट में से ये इंटरेस्ट को लेस करूंगा तो प्रिंसिपल सामने आ जाएगा, वो कितना जी 1422.01। तो मैं उमर को कहूंगा उमर साहब अब जो आपकी इंस्टॉलमेंट आई उसमें 470 तो मेरा इंटरेस्ट इनकम बन गई और 1422.01 आपने प्रिंसिपल मुझे वापस किया है। अब इस साल अब कितना रह जाएगा मेरा प्रिंसिपल देने के लिए, मैं फिर वही 4707 में से ये जो प्रिंसिपल बनता होगा ये लेस करूंगा तो पता लगा जनाब अली 3285.25 रह गया देने के लिए। उसके बाद तीसरा साल गुजर जाएगा, ये 3285.25 बैलेंस मेरे पास होगा, इंस्टॉलमेंट फिर मैंने देनी है 1892.74। मैं फिर इसका जो बैलेंस बचा होगा इसका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा। जैसे मैं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट में से मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा तो प्रिंसिपल अमाउंट पता लग जाएगी इतनी दी है, तो एंडिंग बैलेंस हमारे पास क्या रह जाएगा 1721 समथिंग रह जाएगा। चौथे साल में ये बैलेंस आ जाएगा 1721.04, उसमें से फिर मैं इंस्टॉलमेंट दे दूंगा, इंस्टॉलमेंट दी और इंटरेस्ट ले लूंगा, इसका जो बैलेंस बचा है 10% तो 172.10 इंटरेस्ट बन गया। मैं इंस्टॉलमेंट में से माइनस करूंगा और देखो 1720.64 जो कि तकरीबन यही है और मैं एंड में से जीरो कर दूंगा। अगर ये 6 साल का होता तो 6 साल में जाकर जीरो होगा बैलेंस, अगर ये 10 साल का होता तो 10 साल में जाकर ये जीरो बैलेंस होगा। तो इसमें हमेशा एक बात याद रखनी है कि इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट करना है जो आप लोगों का एंड ऑफ द ईयर बैलेंस बन रहा होगा या वो इधर बैलेंस आ रहे होंगे, इंटरेस्ट हमेशा इसके बल कैलकुलेट करना है और इंस्टॉलमेंट में से उस इंटरेस्ट को माइनस कर देना, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी कि इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल कितना गया है। फिर जो प्रिंसिपल मिल जाए हमें एक मरतबा, फिर जितना बैलेंस था उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो पता लग जाएगा जी अब इतना बैलेंस रह गया है। तो ये लोन मॉडरेशन शेड्यूल है। कल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा इसी बुक में से, इसके मैं खुद सॉर्ट आउट करके, अगली कोई क्लास हमारी नहीं होगी, होगी तो सिर्फ ये होगी क्वेश्चन आंसरिंग के ऊपर। मैं क्लास रख दूंगा, आप लोग क्वेश्चन सोल्व करो, क्वेश्चन सोल्व करने के बाद क्वेश्चन आंसरिंग जो भी आपने मुझसे उस क्लासेस में करनी हो कर लेना। एक बात, दूसरी बात, पेपर पैटर्न ये होगा बेटा 8 से 9 न्यूमेरिकल होंगे, 10 से 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और बाकी आपके टाइम वैल्यू में से मनी में से क्वेश्चंस होंगे। तो ये आप लोगों ने अब तैयारी शुरू कर देनी है, यही टाइम है आपके पास, कल आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जिस क्वेश्चंस में से आपने करना है, तो फिर इंशाल्लाह काम बड़ा आसान हो जाएगा।